हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ अमेजोन से परचेज़ किए हुए निविया वॉल पंप का और फुटवॉल और बीवी आर्ट टब का। तो चलिए सबसे पहले हम वॉल पंप का अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये निविया का वॉल पंप है, डबल एक्शन बीपी 230। ये निविया ब्रांड का है और ये कुछ इस तरह का है। आप देख सकते हैं ये फुटवॉल पंप है और ये इस तरह का है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं जो फुटबॉल में पिन लगाई जाती है वो उसके अंदर इस तरह से लगी होती है। और आपको इसको इस तरह से लगा लेना है इस पंप को, और इसके ऊपर जो कैप है उसको इस तरह से लगा लेना है। तो ये हमें फुटबॉल में हवा भरने के लिए पंप तैयार हो चुका है, तो हम फुटबॉल में हवा भर के देख लेते हैं। तो ये इस पंप का जो प्राइस है 260 है, ये हमने 260 में परचेज़ किया था अमेजोन से। और ये फुटबॉल भी हमने अमेजोन से ही परचेज़ की थी, इसका जो प्राइस है 329 है। तो इसको पिन को इस फुटबॉल में इस तरह का एक रबड़ का होल होता है, उसमें हमें इस तरह से फिट करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पिन है वो होल में अच्छी तरह से फिट हो चुका है, और अब हम इसको इस तरह से हवा भरेंगे। तो ये जो फुटबॉल है वो वेक्टर एक्स इंग्लैंड रबर फुटबॉल है, रेड कलर वाइट कलर का। तो ये आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगा। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और पंप की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो आप देख सकते हैं हमारी फुटबॉल में हवा भर के तैयार हो चुकी है। और जो फुटबॉल का प्राइस है वो 329 है। तो ये दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं, क्वालिटी दोनों की बहुत अच्छी है। तो इसे हम, अगर आप इसकी जो फुटबॉल की हवा निकालना चाहते हैं तो आप उसी पिन को इस तरह से अंदर रख के और उसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, तो उसकी हवा भी फुटबॉल की बाहर निकल जाती है। अगर आप कहीं ले जाना चाहते हैं तो आपको ये पंप भी बहुत ही कैरी, अच्छे से आप कैरी कर सकते हैं, कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। फुटबॉल की आप हवा निकाल लीजिए और उसको रख लीजिए, आप पंप को रख लीजिए साथ में, बहुत आराम से कैरी कर सकते हैं आप इसे। और ये हमने वाटर टब परचेज़ किया था अमेज़ॉन से ही। तो ये इंटेक्स का वाटर टब है, इंटेक्स का ये वाटर है, ये 3 फीट का वाटर है। और इसका जो प्राइस था वो 425 था, और ये इसकी क्वालिटी अच्छी है। मैं नहीं कहूँगी इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट ये जो है नीचे का मेरा जो पोर्शन है ना वो पंचर था, उसमें 2 होल थे। तो उसको मैंने होल को तो थोड़ा ठीक, वो इतनी अच्छी तरह से ठीक नहीं हुआ है, अभी भी उसमें से जो एयर है वो निकल जाती है। तो इसकी आप पंप की सहायता से इसको भी इसमें भी हवा भर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये पिन है वो उसको इस तरह से हम अंदर कर लेंगे और कैप को हम फिर से लगा देंगे, और इसकी सहायता से हम इसमें एयर भरेंगे। तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आप ये टब परचेज़ कर रहे हैं तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप वो टब प्लास्टिक वाले भी टब हैं, उस टाइप के टब हैं, ऑप्शन उस टाइप के हैं, तो आप वो ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ये टब परचेज़ कर रहे हैं तो आपको इसमें 7 दिन का रिटर्न मिलता है, मैंने 10 दिन का रिप्लेसमेंट मिलता है, बट ये मैंने रिप्लेस नहीं कर पाया था उस टाइम। तो ये मेरा होल जिसमें निकला हुआ था, तो क्वालिटी इसकी अच्छी है, नो डाउट क्वालिटी बहुत अच्छी है दोनों सबकी। तो इसमें आप इस तरह से एयर भर सकते हैं, बट इसमें एयर भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आप इस तरीके से इसमें भर सकते हैं। तो इस पंप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कैरी करने वाला है, आप कहीं भी आराम से ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो एक बार मैं आपको बैलून में भी इसमें हवा भर के दिखा देती हूँ, इससे आप बैलून वगैरह में भी हवा भर सकते हैं। बैलून के लिए आपको अलग से पंप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आप बैलून में भी हवा भर सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।